दोस्तों जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको अभी नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें एक पुलिस थाने के आगे की। इस तस्वीरों में आपको दो बदमाश नजर आ रहे हैं जो बापरदा है और उनके पीछे पुलिस नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देख करके आपने अंदाजा जरूर लगा दिया होगा कि कोई न कोई बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया होगा, जिसके चलते पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और आज इस घटना का खुलासा कर रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक ही सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन इस घटना को लेकर पूरी जानकारी आपको दूंगा, उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों के दोनों आपको बदमाश नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग जगहों के हैं। ये दोनों जालौर जिले के रहने वाले हैं। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक जब हमसे बात करेंगे इस वीडियो में, आप सुन पाएंगे कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास बिना नंबरों की ये स्विफ्ट गाड़ी भी थी। अब पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि जो स्विफ्ट गाड़ी इनके पास है, ये चोरी की है या इनकी खुद की है। अब मैं सुनाता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। दरअसल आज से करीब 10 दिन पहले यानी कि 1 मार्च की रात को 11 बजे बाड़मेर शहर निवासी एक व्यापारी सुंदरलाल अपनी दुकान से घर जा रहा था। उसके पास बैग था और बैग में करीब 6,10,000 रुपए थे। इस दरमियान एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने सुंदरलाल को बाड़मेर शहर के गांधीनगर में रुकवा दिया और बंदूक की नोक पर उससे करीब 6,00,000 रुपए लूट कर चले गए। जिसके बाद बाड़मेर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और बाड़मेर SP दिगंत आनंद ने अलग अलग टीमें गठित की और जिसके चलते कोतवाली पुलिस की टीम शहर कोतवाल गंगाराम खावा के नेतृत्व में उनकी टीम ने धोरीमन्ना से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जालौर जिले के अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। इस पूरी घटना को लेकर ये बात सामने आई कि बाड़मेर शहर निवासी एक युवक पिछले कुछ समय से लगातार उस व्यापारी की रैकी कर रहा था और उसने अलग अलग जगहों से कुछ अन्य बदमाशों को बुलाया और उस बुला करके इस घटना को कारित किया है। अब जरा बाड़मेर SP दिगंत आनंद की जुबानी सुनिए कि इस घटना को लेकर उन्होंने क्या कहा है, क्या इससे पहले भी इस प्रकार की ये घटनाएं कर चुके हैं, बाड़मेर का जो लड़का था वो कौन था, ये दोनों हैं ये कहां के हैं और कितने लोग इनके साथ थे और ये पैसों का क्या करते थे, सारी की सारी बात इन बाड़मेर के SP दिगंत आनंद की जुबान से सुनिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लोगों से अन्य व्यापारी भी, अन्य लोग भी सावधान रहें, सचेत रहें। दिनांक 2 मार्च 2023 को कोतवाली थाने पे जरिए टेलीफोन एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें बाड़मेर के निवासी श्री सुंदरलाल पुत्र प्रेमचंद, जो कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी बाड़मेर शहर में रन करते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 1 तारीख की रात को करीब 10 बजे जब वो अपनी एजेंसी बंद करके और उस दिन की जो धनराशि कमाई हुई थी उसके साथ घर जा रहे थे, तो घर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक 4-व्हीलर गाड़ी से उनका पीछा किया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर उस गाड़ी को आगे लगा करके उन्हें रोक लिया, जिस कारण से वे मोटरसाइकिल से गिर गए और उनके पास जो तकरीबन 6,00,000 रुपए थे और उनका बैग था जिसमें लैपटॉप भी था, वो लूट करके और फरार हो गए। मौका क्योंकि सुनसान इलाका था, शहर के बीचों बीच था, काफी गंभीर वारदात थी, तो उसको देखते हुए तुरंत SHO कोतवाली जो कार्यकारी थे और अन्य उच्च अधिकारी CO एडिशनल साहब ये सब मौके पर पहुंचे। मौके की रेकी की गई, मेरे द्वारा भी मौके की रेकी की गई और इसकी गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर एक टीम गठित की, जो एडिशनल SP बाड़मेर, CO बाड़मेर और बाड़मेर सर्किल के समस्त थानाधिकारी और सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में DST टीम के सहयोग से एक टीम गठित की गई, जिसने जिला बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में और आसपास के जिलों में मुलजिम की पतारसी के सारे प्रयास किए, जिसमें आज हमें सफलता मिली है और इस वारदात का खुलासा हुआ है। जो दो आरोपी जिनका नाम कमलेश कुमार पुत्र बाबूलाल और श्रवण कुमार पुत्र कालूराम, निवासी साचौर जिला जालौर और निवासी थाना झाप जिला जालौर क्रमशः, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा घटना को अपने अन्य तकरीबन 5 साथियों के साथ करना स्वीकार किया है। जो तरीका वारदात है इनका, जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, वो ये है कि इन दोनों लोगों ने बाड़मेर के ही रहने वाले एक अन्य साथी बदमाश से संपर्क किया, जिसने इनको ये बताया कि जो मुस्तगीज है वो इसी रूट से रोज दिन भर की धनराशि को लेकर के घर जाता है, जिसको लूटा जा सकता है और बड़ी कमाई की जा सकती है।
फिर इन्होंने एक गैंग बनाई इस वारदात को अंजाम देने के लिए, जिसमें 5 से 6 लोग शामिल हैं। और एक टू व्हीलर गाड़ी से पहले उसके रूट की रेकी की गई है, उसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए एक 4 व्हीलर बोलेरो का इस्तेमाल किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, जो हथियार हैं और जो लूटी हुई राशि है, वो पीस रिमांड के दौरान इनकी निशानदेही से बरामद करने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे और पूरा भरोसा है कि बरामद कर लिया जाएगा। जो अन्य नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, काफी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ साथ जो डीएसटी टीम और जो थानों की टीम है, जिन्होंने ये वारदात को अथक प्रयास और मेहनत के साथ सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर, आईपीडीआर और मानव सूचना संकलन करते हुए खोला है, उन्हें उचित रिवार्ड देने के लिए अनुशंसा भी की गई थी। सर, जिस जो इस अपराध में शामिल लोग हैं, उनका एज का क्या है, कितनी उम्र तक के लोग हैं और इनका अतीत क्या है, क्या इससे पहले भी वो ऐसी वारदातों में शामिल रहे? और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि इनका मकसद क्या था, क्या इस लूट के पैसे से वो नशा करते थे या किस तरीके से काम करते थे? तो जैसा कि अभी सामने आया है, जो दो गिरफ्तार आरोपी हैं वो नई उम्र के हैं, इनके साथ के जो लड़के हैं वो भी सभी युवा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है, प्रारंभिक तौर पर जो कमलेश कुमार है, इसके विरुद्ध मारपीट के और एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हैं जिला जालौर में। जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम श्रवण कुमार है, उसके खिलाफ भी पहले प्रकरण दर्ज है मारपीट और अन्य धाराओं में। जो अन्य नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज है। तो ये सभी अपराध के आदि हैं, बड़ी धनराशि की इन्होंने लूट की है और लूट का मकसद इनके द्वारा यहां से निकल करके और मौज मस्ती करना। सर, जो लूट की राशि थी वो जब कर ली गई, और या फिर जो बाड़मेर का जो आरोपी बता रहे क्या उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया? बाड़मेर का जो मुख्यालय क्या भी जब्त किए गए कोई इनके पास है? तो अभी इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, तो इनके पास से एक बिना नंबरी स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है, जो गिरफ्तारी के समय इनके पोजेशन में थी। अन्य जो अलामत आपने बताया, जैसे कि लूटी हुई राशि, जो हथियार है और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है, वो इनकी पीसी रिमांड लेने के बाद, इनकी शिनाख्त परेड कराने के बाद और इनकी निशानदेही से जब्त की। सर, व्यापारियों के लिए रास्ता काफी पिछले अतीत से अगर घटनाओं पे अगर नजर घुमाए तो यहाँ पर कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे स्पोर्ट को किस तरीके से देख रही है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं करे? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो इसमें इस वारदात को मद्देनजर रखते हुए हमने रात्रि गश्त के प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है वो इस रास्ते पर भी गश्त करे। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे आम रस्ते की तरफ रुख करते हुए लगाएं, जिस कारण से इस वारदात का भी खुलासा हुआ है और जिस कारण से काफी वारदातें रुकती भी। सर, जो लोकल कोई बाड़मेर का बंदा था, उसका व्यापारी वो काम करता था या फिर उसका कोई कनेक्शन है इसका? नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी अनुसंधान का विषय है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये चीज सामने आ जाएगी। धोरीमन्ना से दस्तयाब किया गया, इसमें जो कोतवाल शहर कोतवाल है उसकी टीम के द्वारा धोरीमन्ना से दस्तयाब करके लाया। सर, इस गैंग का कोई पहले भी कोई ऐसा वारदात वगैरह? इसके सभी सदस्यों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है, पर एज अ गैंग इन्होंने पहले किन किन वारदातों को अंजाम दिया ये इनसे पूछताछ। तो सर, ये इनका आपस में कैसे संबंध स्थापित हुए, क्या ये पहले जेल में साथ रहे या इनका कनेक्शन कैसे हुआ? बता रहे कि एक धोरीमन्ना का इलाके का है, जालौर में भी एनडीपीएस के मुकदमे उसके ऊपर है। जैसा मैंने बताया, इसमें जो इनका लोकल कॉन्टेक्ट था उसने इस विक्टिम को चिन्हित करने में भूमिका निभाई है। उसके कहीं ना कहीं ये ध्यान में था कि ये एक धनराशि लेकर के रोज जाता है और फिर वारदात को अंजाम देने के लिए क्योंकि अन्य साथियों की और वाहन की जरूरत थी, इसलिए इनको एकत्रित किया गया। सर, घिड़ा का एक मामला